नमस्कार दोस्तों, मैं हूं तुलसी राम सिंह और आप सभी लोगों का स्वागत है। आज जो अपना टॉपिक है वो फ्रीडम फाइटर की जो पेंशन होती है उससे रिलेटेड है। तो वीडियो शुरू करते हैं, वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। अगर आपका भी फ्रीडम फाइटर या पेंशन से रिलेटेड कोई भी सवाल है तो इन वीडियो में आपके उन सवालों का जवाब मिल जाएगा। तो आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव और यूजेबल होने वाली है। एक्चुअली होता क्या है, केरल स्टेट का मामला होता है जिसमें एक फ्रीडम फाइटर होते हैं जिनकी कुछ समय पहले डेथ हो जाती है। उनकी जो तलाकशुदा बेटी होती है वो पेंशन के लिए आवेदन करती है, लेकिन पेंशन डिपार्टमेंट उसके आवेदन को खारिज कर देता है, ये कहते हुए कि जो इसके भाई हैं, दो भाई हैं, वो पहले से बहुत ज़्यादा व्यवस्थित हैं, संपन्न हैं, तो वो अपने बहन का ख्याल रख सकते हैं और पूरी ज़िंदगी रख सकते हैं, पूरी लाइफ रख सकते हैं। लेकिन ऐसा बिल्कुल सच नहीं है। कोई ज़रूरी नहीं कि जो भाई होता है वो अपनी बहन का पूरी लाइफ तक ख्याल रख सके, खासतौर पर जब भाइयों की फैमिली हो, परिवार हो, बच्चे हो। मामला ये नहीं रुकता, मामला केरल हाईकोर्ट में जाता है। वहाँ पे जो फ्रीडम फाइटर की बेटी होती है, तलाकशुदा बेटी होती है, वो एक याचिका डालती है। उसके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता है, फिर वो केरल हाईकोर्ट में एक याचिका डालती है और पेंशन की मांग करती है। केरल हाईकोर्ट के विद्वान जस्टिस द्वारा सभी दलीलों को ध्यान से सुना जाता है, देखा जाता है, उसके बाद जो टिप्पणी करते हैं वो दिल को छूने वाली किया जाता है कि देखिए, ऐसा भले ही भाई बहुत ज़्यादा संपन्न हो, लेकिन किसी भी फ्रीडम फाइटर की बेटी को, खासतौर पर जब वो तलाकशुदा हो, तो उसको पेंशन देने से मना नहीं किया जा सकता है। क्योंकि जब उसके कहीं भी आय, क्या कहते हैं, इनकम के स्रोत नहीं है, कहीं भी रास्ते नहीं है जहाँ से उसका भरण पोषण हो सके, सम्मानपूर्ण जिंदगी जी सके, कहीं से कोई रास्ता नहीं दिख रहा है, तो उस समय पर उसको पेंशन की सबसे ज़्यादा आवश्यकता होगी। जिस पर सरकारी वकील जो होते हैं उनका ये कहना होता है, चूँकि भाई लोग संपन्न हैं, तो ये जो फ्रीडम फाइटर की नियम जो है, यानी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की जो नियम 11 ए है, उसके तहत ये नहीं आती है। लेकिन अगर हम बात करते हैं नियम को, अगर थोड़ी देर के लिए भूल जाए, अगर बात करते हैं, देखो क्यों दिया जाता है ये पेंशन। पेंशन इसलिए दिया जाता है कि जो जिन्होंने देश, जो फ्रीडम फाइटर होते हैं, जिन्होंने देश को आज़ाद करवाने के लिए जिन्होंने योगदान दिया, देश के विकास के लिए योगदान दिया, उनका जो परिवार है वो भूखा ना सोए, अपमान की ज़िंदगी ना जिए, एक सम्मानपूर्ण जिंदगी लाइफ जीने का उनका अधिकार होता है, उनको देना चाहिए। इसलिए ये कानून बनाया गया था कि उसमें दिया जाए। लेकिन अब मान लेता हूँ जो तलाकशुदा बेटी है उसको कहीं से फादर की डेथ हो गई है, भाइयों की अगर शादी हो गई है, भाई भाई कब तक दे सकते हैं, जब तक उनका खुद का परिवार नहीं है। परिवार होने के बाद हो सकता है शायद ना दें, लेकिन कुछ ऐसे भी देखने को मिलते हैं जहाँ पे पूरी लाइफ देते हैं। तो हम इस आधार पर आवेदक को नहीं छोड़ सकते हैं, माने केरल हाईकोर्ट द्वारा एक बहुत बड़ी टिप्पणी की जाती है कि हम नहीं छोड़ सकते हैं, क्योंकि जो भले ही बेटी तलाकशुदा है लेकिन फिर भी उसको जीने का अधिकार है और सम्मानपूर्ण जिंदगी जीने का अधिकार है। तो जिस पर केरल हाईकोर्ट द्वारा कहा जाता है कि देखिए, ऐसा ये जो सरकारी वकील द्वारा बात कही गई कि भाई संपन्न है, इसमें कहीं ना कहीं मुझे गलत धारणा दिख रही है और बेटी को पेंशन देने से मना नहीं किया जा सकता, यही कहते हुए केरल हाईकोर्ट ने पेंशन डिपार्टमेंट को निर्देश दिया कि इसके, इस बेटी के आवेदन पर, जो याचिका करता है उसके आवेदन पर एक बार दोबारा पुनर्विचार किया जाए। दोस्तों एक चीज़ तो ये कंफर्म होता है कि देखिए, जो पेंशन दिया जाता है, दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगे, ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी, एक बार कमेंट करके जरूर बताना। मुझे आप सभी लोगों के कमेंट का इंतजार रहेगा। हाँ, अगर आपका कोई भी सवाल है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिर मिलूंगा ऐसे ही लीगल टॉपिक अपडेट लेकर, तब तक के लिए जय हिंद।